जय हिंद दोस्तों। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी हरियाणा के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये बताना है कि 14/10/2022 को लेटर जारी हुआ है। इसके ऑनलाइन फॉर्म 15/10/2022 यानी 15 अक्टूबर 2022 से भरे जाएंगे। 30 अक्टूबर 2022 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। फॉर्म भरेंगे उससे पहले बता दें कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, वैकेंसी कितनी है, एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा की कितनी वैकेंसी है। क्लर्क के पद पर वैकेंसियां हैं, बता दें कि ये हरियाणा के सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल, एक्स सर्विसमैन, जनरल SC ST OBC सभी। इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए अलग कोटा दिया हुआ है, हरियाणा के ही एक्स सर्विसमैन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बता दें टोटल वैकेंसी 390 हैं और जनरल के लिए 198 वैकेंसी हैं। SC ST हरियाणा के लिए 66 वैकेंसी हैं। हरियाणा BC के लिए, ए कैटेगरी के लिए 45, बी कैटेगरी के लिए 27, हैंडीकैप के लिए 5 वैकेंसी हैं। एक्स सर्विसमैन जनरल कैंडिडेट के लिए 21, SC ST के लिए 6 वैकेंसी हैं, BC A के लिए 12, BC B के लिए 10 वैकेंसी, यानी टोटल 50 वैकेंसी के आसपास वैकेंसियां हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो भूतपूर्व सैनिक जरूर अप्लाई करें। फीस कितनी लगेगी तो उसमें बता दें, पहले तो एज बता देते हैं। एज जो काउंट होगी 1/1/2022 से एज काउंट होगी। इसमें जो एज है, एक्स सर्विसमैन की एज में छूट दी जाएगी। बाकी जनरल के लिए 18 से 42 साल, SC ST के लिए 18 से 47 साल, BC हरियाणा के लिए 47 साल तक। 18 साल एक्स सर्विसमैन मैक्सिमम एज 48 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर रहे हैं। अभी इसमें बता देते हैं, बाकी इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है, तो बैचलर डिग्री वाले, ग्रेजुएशन वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 10th में हिंदी होना अनिवार्य है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 10th में हिंदी एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। 30/10/2022 लास्ट डेट से पहले पहले अप्लाई कर लें। और इसका जो बता दें कि इसमें जो पे और अलाउंस मिलेंगे वो एज पर हरियाणा गवर्नमेंट के अनुसार दिए जाएंगे। इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हरियाणा की होनी चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए हरियाणा के एक्स सर्विसमैन का होना ज़रूरी है। अगर आप हरियाणा की डोमिसाइल हैं एक्स सर्विसमैन में, तभी अप्लाई करें। इसमें डिटेल्स ऑफ फीस की बता दें कि जनरल जो कैटेगरी है उसकी 825 रुपये फीस लगेगी। SC ST BC A BC B एक्स सर्विसमैन की फीस 525 रुपये लगेगी। इसके बाद महिलाओं के लिए जो मैक्सिमम जनरल की फीस है 625 रुपये और बाकी के लिए 525 रुपये लगेगी। और हैंडीकैप्ड के लिए कोई फीस इसमें नहीं लगेगी, जो भी हैंडीकैप्ड अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं इसमें फीस के बाद, जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगी वो नवंबर दिसंबर में हो जाएगा एग्जाम आपका। मोड ऑफ सिलेक्शन, दो चीज़ों का टेस्ट होगा, इंग्लिश जनरल नॉलेज, जिसमें कि 70 मार्क के आएंगे, मैक्सिमम मार्क 70 होंगे, और इंग्लिश का होगा जिसमें 30 मार्क, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे 100 मार्क के। इसमें बता दें 33% नंबर लाना ज़रूरी है क्वालिफाई के लिए, और 1/4 निगेटिव मार्किंग है, रॉन्ग आंसर देने पर 1/4 कट जाएगा। तो इसका फॉर्म अप्लाई करने का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नोटिफिकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके थ्रू आप फॉर्म भर लें और अप्लाई भी कर लें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू। जय हिंद।